हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम राम प्रकाश है और आज मैं आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कैसे बन सकते हैं उसके तरीके बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक ऑर्डिनरी पर्सन से अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं तो उसको आप एक उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी और वो प्रोसेस है कि एक बीज से वृक्ष कैसे बनता है। फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग होता है ये एक फील्ड की तरह होता है। फील्ड मीन्स खेत की तरह होता है। खेत में हम क्या करते हैं, दो तरह के खेत होते हैं, एक बंजर जमीन होती है और दूसरी फर्टाइल लैंड होती है। फ्रेंड्स, फर्टाइल लैंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर वो बंजर होगी जमीन तो उसमें हम हल चलाते हैं। जब हम हल चलाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे जो घास फूस होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसको इक्वल पैरेलल स्टेट में बराबर करते हैं। जब वो बराबर हो जाता है खेत, फिर हम उसमें एक बीज डालते हैं। फ्रेंड्स, जब उसमें बीज डालते हैं, जब वो बीज फर्टाइल होकर के ऊपर जमीन के ऊपर निकलते हैं तो उसके जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होने लगता है, उसके साथ साथ चार और घास भी निकलती हैं। फ्रेंड्स, जो चार और घास आती है और उन घास को हम टाइम टू टाइम निकाल करके फेंक देते हैं। उस पौधे को हवा भी चाहिए, उस पौधे को पानी भी चाहिए और उस पौधे को हम खाद भी देते हैं ताकि वो पौधा ग्रो अप कर सके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, उस पौधे को हम चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि जानवरों से वो पौधा बच सके। कब तक, जब तक वो वृक्ष ना बन जाए। धीरे धीरे फ्रेंड्स, अगर हम ये सारी प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो वो जो पौधा होता है धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण करता है। जब वो वृक्ष बनता है, वो चारों तरफ उसके रिस्ट्रिक्शन जो है उसको अगर हम हटा भी दें तो उसका कोई भी जानवर है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि आप उस लैंड को खाली छोड़ दीजिए, बंजर जमीन रहने दीजिए, उसमें फर्टाइल हल मत चलाइए। तो प्रकृति फ्रेंड्स उस चीज़ को खाली नहीं छोड़ती, प्रकृति उसमें कुछ ना कुछ तो भरेगी। क्या भरेगी, 10 प्रकार की उसमें घास होगी, कटीली झाड़ियाँ होगी, कांटे होंगे जो उस खेत को बंजर बना देंगे। अगर बंजर जमीन में आप अच्छे से अच्छा बीज बो भी दें तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। फ्रेंड्स, सेम वे में हमारा दिमाग, मैं बता रहा था कि एक खेत की तरह होता है, सबसे पहले इसको फर्टाइल करना पड़ता है, इसमें हल चलाना पड़ता है, रिलैक्सेशन का हल, ताकि आप प्रॉपर तरीके से माइंड में कूल रहे और माइंड में रिलैक्सेशन फील करें, रिलैक्स रहे माइंड को लेकर के। उसके बाद क्या करते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में फर्टाइल करके लैंड को बीज बोना, मतलब अच्छे विचारों का बीज डालते कि मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा अलग करना है जो मेरे लाइफ में काम आ सके, मेरी लाइफ को कामयाब बना सके। तो फ्रेंड्स, जैसे आप थोड़े से कामयाब हो जाएंगे अपनी लाइफ में, कामयाब होने ही वाले होंगे आप, या थोड़े से कामयाब हो चुके होंगे, चारों तरफ आपकी घास आएगी, नेगेटिव लोग आएंगे जो आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे। उस दौरान फ्रेंड्स करना क्या है, उन लोगों को अपने से दूर हटाना है। हटाना कैसे, ये आपको कला है, ये कि आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ मैंने संपर्क रखना है, किसके साथ मैंने संबंध रखना है। संपर्क सभी के साथ हो सकता है, बट संबंध फ्रेंड्स कुछ चुनिंदा लोगों के साथ रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करते हो। फ्रेंड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ आपने चाय पीनी, किसके साथ लंच करना है, किसके साथ लंच करना, किसके साथ डिनर करना है, किसके साथ डिनर करना है और किसके साथ घर में जाना है और किसको अपने घर बुलाना है, किसके साथ रहना है। अगर ये पता नहीं होगा तो वो जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे एक पौधा है, पौधे में अगर चारों तरफ ज़्यादा घास आएगी तो पौधे को ऊपर बढ़ने नहीं देंगे जब तक हम उस घास को निकाल के फेंकते नहीं हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन के अलावा आपको विजुअलाइजेशन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ऑटो सजेशंस देनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए प्रॉपर तरीके से, और साथ में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक पौधे को पानी भी चाहिए, उसमें हवा भी चाहिए, खाद भी चाहिए, अगर जल्दी ग्रो करना है तो आपको भी मेडिटेशन भी टाइम टू टाइम करनी चाहिए, रिलैक्सेशन भी करते रहिए, विजुअलाइजेशन भी करते रहिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशन अपने आप को देते रहिए। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे एक पौधे से एक वृक्ष का रूप धारण करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप वृक्ष बनेंगे
तो कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो वृक्ष होता है उसमें सिर्फ फल आते हैं हर साल। एक साल अगर आपके फल कोई चुराएगा भी तो दूसरे साल वही फल दोबारा आएगी। अगर आपकी क्वालिटी, कहते हैं फ्रेंड्स नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। अगर आप जिस दिन बहुत बड़े वृक्ष बन गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स आई होप कि आप, दूसरी चीज़ ये है अगर आप ध्यान से देखेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छे विचारों का बीज मत डालिए, अपने माइंड को फर्टाइल मत कीजिए, इक्वल स्पेस में मत रखिए, कुछ मत सोचिए। फ्रेंड्स आप तो कुछ नहीं सोचेंगे। कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज अ डिवाइन्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। प्रकृति आपके दिमाग को खाली नहीं छोड़ेगी, जितना भी खाली स्पेस है उसमें विचार तो आएंगे, चाहे नेगेटिव हो 10 प्रकार के विचार आएंगे, कटीली झाड़ियाँ कांटे अलग अलग प्रकार के घास जैसे थी वैसे अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे जो आपके माइंड की प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाएगी, आप फास्ट नहीं सीख सकते। अगर आपने फास्ट सीखना है, ग्रो करना है, तो आपका जो माइंड है उसको आपने प्रॉपर तरीके से फर्टाइल करके अच्छे अच्छे बीजों का डेली आपको अच्छे अच्छे विचारों का जो बीज है वो डालना पड़ेगा। खाली छोड़ेंगे तो प्रकृति नहीं छोड़ेगी। फ्रेंड्स आई होप कि आज आप हर रोज सोने से पहले या हर रोज सुबह उठ करके अच्छे अच्छे विचारों का बीज डालेंगे जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा, आपको बहुत बड़ा वृक्ष बनाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि मेरे माइंड में बहुत सारे ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, उनको थॉट्स को हटाना कैसे है, रिलैक्सेशन कैसे करनी है, ऑटो सजेशन कैसे देते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। माइंड ऑपरेशन अकेडमी में ऑफलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं और उन सारी चीजों को सीखने के बाद अपनी लाइफ में आप कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि भविष्य में, कहते हैं कि शेयरिंग इज द केयरिंग। फ्रेंड्स जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ज्यादा मैं आपकी केयर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए, और भविष्य में मैं आपको अलग अलग तरह की नई नई वीडियो लाता रहूंगा जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियो लाने वाला हूँ, नई वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।